सवे भवन्तु सुखिन। आरती है मात मेरी पर विशेष। भाग 10। लेख का उद्देश्य आध्यात्मिक लक्ष्य हेतु सत्कर्म करने हेतु प्रेरित करना है। पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण मनुष्य बार बार आध्यात्मिक पथ से भटक जाते हैं। आध्यात्मिक पथ बहुत विकट है। महापुरुषों को भी परमानंद दिव्य सुख शांति रूपी अंतिम परिणाम को प्राप्त करने में वर्षों लगे थे। यह अंतिम परिणाम केवल जितेंद्रिय इंद्रजीत मनजीत निर्विषयी निर्विकार निष्पाप को ही प्राप्त होता है। जिसने भी परमानंद दिव्य सुख शांति रूपी अंतिम परिणाम को प्राप्त किया वह वापस क्षणिक सुखों में नहीं फंसा। जो क्षणिक सुखों में डूबा हुआ है क्षणिक सुखों से चुंबक की तरह चिपका हुआ है उसे अंतिम परिणाम प्राप्त नहीं होता है। यह अंतिम परिणाम जीते जी ही हासिल किया जा सकता है। इस अंतिम परिणाम को हासिल किए बिना मुक्ति भी असंभव है। चाहे किसी का कोई भी आराध्य हो चाहे किसी की कोई सी भी मान्यता हो चाहे आस्तिक हो अथवा नास्तिक। जैसे कि हर शरीर के पीछे एक चेतन अदृश्य तत्व होता है। जैसा कि यह परम सत्य है कि कोई भी अपने से बुद्धि बल में छोटे की आराधना नहीं करता है। परमात्मा के अनेक नाम हैं। वेद के अनुसार ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी तीनों ही परमात्मा के नाम हैं। तीनों का ही संबंध होम से है। शिव जी की ध्यानस्थ प्रतिमा भी यही दर्शाती है कि वह अपने से अधिक शक्तिशाली के ध्यान में मगन है। यदि शिवजी के आराध्य को राम की संज्ञा दी जाए तो वह राम जो सर्वत्र रम रहे हैं। यदि विष्णु की संज्ञा दी जाए तो जो सर्वत्र व्याप्त है। सर्वव्यापक शक्ति के कारण ही संपूर्ण ब्रह्मांड गतिमान है। यदि श्री राम के आराध्य को शिवजी की संज्ञा दी जाए तो वह शिव जो कल्याणकारी है जो जगत का कल्याण करने वाले हैं जिनके तुल्य इस जगत का कल्याण भला करने वाला पालन करने वाला दूसरा कोई नहीं। चाहे कोई किसी को भी अपना आराध्य माने लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तो निष्काम सत्कर्म ही है। जैसे कि धुरी के बिना चक्र नहीं चल सकता है तो उसी तरह निष्काम सत्कर्म बिना मुक्ति नहीं मिलती है। चाहे कोई आस्तिक हो अथवा नास्तिक चाहे किसी का कोई भी आराध्य हो चाहे कोई कैसी भी ध्यान साधना की विधि से साधना अथवा ध्यान कर रहा हो चाहे कितनी ही बड़े सिद्ध योगी महापुरुष का शिष्य हो निष्काम सत्कर्म ही परमानंद दिव्य सुख शांति का आधार है मुक्ति का आधार है। संपूर्ण जगत की जननी होने के कारण वह अदृश्य शक्ति ही इस जगत के वासियों की माँ है। प्रकृति के माध्यम से हमारा पालन करने के कारण अदृश्य शक्ति ही हमारा पिता भी है। इस आरती में उसी अदृश्य जगत की जननी के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की गई है। लगातार -11।